बंगाल के सेक्टर 14 में आप देख सकते हैं कि जहां पर कांग्रेस के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सीएम सिटी करनाल में स्मार्ट सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मेन हॉल यहाँ पर खुले पड़े हैं और कई तरह के जो फुटपाथ यहाँ पर बनाए जा रहे हैं ब्लाइंड को लेकर, ब्लाइंड लोगों की मदद के लिए जो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, जो अलग अलग तरीकों से फिलहाल यहाँ पर जो फुटपाथ बनाए जा रहे हैं, जो टाइलें उनको उखाड़ कर दोबारा से लगाया जा रहा है, इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सीएम सिटी करनाल स्मार्ट सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। जो मेन हॉल जो खुले पड़े हैं उन्हीं को लेकर, विकास कार्यों को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि किस तरह से विकास कार्यों में एक भ्रष्टाचार की बू जरूर आ रही है, इस तरह के आरोप जो कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी नेता यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और किसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस की तरफ से एक प्रयास के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के, जो विकास कार्य यहां पर चल रहे हैं जो ठीक से नहीं चल रहे, इसी की तरह से आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। जो गौतम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, जिन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ा था और वो हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए ये सीएम सिटी और स्मार्ट सिटी कहलाई जाती है करनाल। आज हम इसलिए आए हैं कि तीन दिन पहले प्रसाद के अंदर सारे करनाल के अंदर जब हाहाकार मच गई, उस समय बहुत सारे लोगों के फ़ोन आपको भी आए, हमारे को भी आए, भाई ये जो स्मार्ट सिटी के बीच में 6-6.5 करोड़ रुपये लगा के ये जो रोड डिवाइड बनाया गया है, इसके बीच में जो मेन होल है वो 6-6 फुट गहरे हैं और कई लोग उसमें गिरे हैं, कई बच्चे भी उसमें गिरे हैं, तो उसके लिए आप तक भी फोन आए, लेकिन उस टाइम प्रसाद का पानी था भरा और हम नहीं देख पाए। कल हमने देखने के बाद यह निश्चय किया कि स्मार्ट सिटी के बोर्ड लगा के लोगों को यहाँ स्वागत करें, हार्दिक स्वागत है, ताकि उनको मालूम पड़ सके ये जो ऑफिसर हैं जिन्होंने करोड़ों रुपया ले कर यहाँ करनाल में लगाया है, जो हमारे करनाल के नुमाइंदे हैं उनकी बात पहुँच पाए, कहेंगे करनाल का अग्गा दौड़ पीछा छोड़, ये काम छोड़ दिया गया, अगला शुरू कर लिया गया, ताकि पैसे ले लिए जाएं, कमीशन दे दी जाए, बस यहाँ तक सीमित है। कम से कम ये काम बरसात के बीच में लोग विश्वास पर चलेंगे, फुटपाथ पर, फुटपाथ पर चल रहे हैं, बीच में पानी भरा हुआ खड्डा किसी को नहीं पता, इसमें कई आदमी गिर के मृत्यु भी हो सकती है, हो सकता किसी को दिक्कत हुई भी हो, हमारे को इस बात का पता नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि सीएम सिटी क्राइम सिटी बन चुका है, उसके साथ साथ स्मार्ट सिटी जो है पूरी तरह करोड़ों रुपया ये लोग खा गए हैं और काम नहीं हो रहा। आपको लगता नहीं कि इस तरह के बोर्ड लगा देने से सीएम सिटी स्मार्ट सिटी करनाल की बेइज्जती नहीं होगी, लोग चुकन्ने हो जाएंगे देखकर, भाई यहाँ स्वागत क्यों किया ताकि वो खड्डा देख पाए। अगर हम भाजपा का झंडा लगाते कल वो कहते हमारे झंडे की तोहीन हुई, हमने कांग्रेस का झंडा इसीलिए लगाया लोग उसके ऊपर झंडे को देखेंगे नीचे ना गिर जाए, इसलिए स्मार्ट सिटी के बोर्ड लगाए ताकि लोग। लाल रंग के डेंजर के निशान के झंडे किसने लगाए हैं? ये कल कोई आरटीआई का है, अजय शर्मा है शायद, वो कल मैंने फेसबुक में देखा था वो लगा रहे थे, लाल रंग इसीलिए लगाएंगे ताकि लोग खतरे से बच सके, लेकिन पानी तो शुभ ऊपर चल रहा था। इसलिए आपको क्या लगता है आपके इस तरीके के प्रोटेस्ट से जल भराव की स्थिति ठीक हो जाएगी करनाल में? कम से कम आवाज उठाने से अफसरों को जागृति तो आएगी, आके देखेंगे क्यों कर कर आ गया, और कल को हम जुम्मेवार ना हो, हम जवाब देना हो, भी जब लोग डूब रहे थे, जो लोग कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी के लोग घरों में बैठे थे, इसलिए हम आप लोगों के बीच में हैं। मैंने वादा किया था विधायक बनूँ ना बनूँ आपकी आवाज़ बनूंगा, हम उनकी आवाज़ बनने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, कान खोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं प्रशासन के, लेकिन प्रशासन बिल्कुल लगातार आप ही सारे मीडिया वाले कई दिनों से उठा रहे हो, पानी के बीच में खड़े हो उठा रहे हो, यहाँ नेवल भी कलवाड़ी भी सारे गाँव डूबे हुए हैं, लेकिन मानते हैं प्रकृति अब है, लेकिन ये प्रकृतिक वो नहीं है, इस पे होल्ड बंद करना ये तो सरकार का काम है। मतलब साफ कर दिया आपने कि दोबारा अगर पार्टी टिकट देगी तो आप एमएलए का चुनाव लड़के एमएलए बनने की कोशिश करनाल से जरूर करेंगे। देखिए ये कौन नहीं चाहता, जब मेरे को ऐसे मौके पे जब सीएम के सामने कोई नहीं टिक सकता था, दोबारा देखने मैं लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा, और मेरा हक भी बनता है,
लेकिन आज हम राजनीतिक तौर पर बात नहीं करने आए, हम लोगों के बीच में आए हैं, लोगों की आवाज बनने के लिए। वो जब पार्टी 3 साल बाद जो होगा वो दिखी जाएगी, लेकिन आज हम लोगों के साथ महिला नेत्री। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, स्मार्ट सिटी में जो विकास कार्य चल रहे हैं उन्हीं को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये लाइव तस्वीर आप करनाल के सेक्टर 14 से देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। करनाल से विकास मेला, पंजाब केसरी टीवी, करनाल।